बिहार में महागठबंधन की सीटों का हुआ ऐलान। आरजेडी 20, कांग्रेस 9, आरएलएसपी 5, हम 3 और वीआईपी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। महागठबंधन में आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे शरद यादव। चुनाव के बाद आरजेडी में ही हो जाएगा पार्टी का विलय। कश्मीर में मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासीन मलिक के संगठन जेकेएलएफ को आतंक विरोधी कानून के तहत किया बैन। ट्विटर पर आया इलेक्शन कमीशन, चुनाव को लेकर लॉन्च हुई नई इमोजी, ट्विटर ने भी किया स्वागत। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में हुए शामिल, कहा पीएम मोदी से हैं प्रभावित, देश के लिए कुछ करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। आडवाणी का टिकट कटने पर नितिन गडकरी बोले, आडवाणी सीनियर नेता, पार्टी करती है सम्मान। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने गाजियाबाद से अपना प्रत्याशी बदला, अब सुरेंद्र कुमार की जगह सुरेश बंसल लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का पार्टी को दो टूक जवाब, बोले गठबंधन हो या ना हो मैं चांदनी चौक से ही लड़ूंगा चुनाव। एसपी नेता रामगोपाल यादव के बयान पर अखिलेश ने दी सफाई, बोले जवानों की कुर्बानी पर नहीं उठाना चाहिए सवाल। आईपीएल में अपने पहले मैच की कमाई, पुलवामा हमले के शहीद के परिवारों को देगी सीएसके, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्रदान करेंगे चेक। बीसीसीआई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उलझना पड़ा भारी, $16 लाख की राशि का देना पड़ा जुर्माना। कलंक का दूसरा गाना फर्स्ट क्लास हुआ रिलीज, अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा गाने को। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।